हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा शैम्पू कंडीशनर ऑल यूज़ करती हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। बात करते हैं शैम्पू की, तो गाइस शैम्पू मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने बालों के लिए बेस्ट शैम्पू ढूंढती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों के लिए सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज़ करूँ। वैसे तो मैं कभी कभी पैंटीन यूज़ कर लेती हूँ, जब भी मेरा शैम्पू ख़त्म हो जाता है तो मैं पैंटीन यूज़ कर लेती हूँ। बट जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है ट्रेसमे का कैरेटिन स्मूथ। ये मेरे बालों को नेचुरल स्ट्रेट और ग्लॉसी बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे बाल नेचुरल स्ट्रेट है और ये मेरे बालों को नेचुरल स्ट्रेट बनाए रखने में मेरी हेल्प करता है। अगर आपके बाल हेल्दी हैं और डैंड्रफ नहीं हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। बट गाइज, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है या डैंड्रफ है, तो आप इसे यूज़ ना करें। गाइज, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करें। और जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, वो कोशिश करें कि सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज़ करें। इसके लिए आप खादी का शैम्पू यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आप लंबे समय से एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और फिर भी आपको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको शैम्पू चेंज करके देखना चाहिए। और जब भी आप शैम्पू ले रहे हों, तो आप शैम्पू हमेशा अपने स्कैल्प के हिसाब से ही लें। सो गाइज, ये तो बात हुई शैम्पू की। अब बात करते हैं कंडीशनर की। तो गाइज, मैं बाहर का कंडीशनर बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि होममेड कंडीशनर ही यूज़ कर सकूँ। इसके लिए मैं जो एलोवेरा वाली रेमेडी आपसे शेयर की थी, वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मुझे कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब भी मुझे टाइम नहीं होता है, तो कोई ईजी सा रेमेडी मैं यूज़ कर लेती हूँ। शैम्पू और कंडीशनर के बाद बारी आती है ऑयल की। तो गाइज़, ऑयल में नंबर वन पे आता है कोकोनट ऑयल, जो मेरा फेवरेट है। मैं कोकोनट ऑयल को ऑलिव ऑयल में मिक्स करके लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे बाल लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। सो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो, तो आप कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मिक्स करके लगा सकते हो। बट आप कोशिश करो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सको। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे और घने काले हों, तो ऑयलिंग को कभी भी स्किप ना करें। ऑयल्स हमारे बालों की हेल्थ, सिल्कीनेस और ग्लॉसीनेस का बेस होते हैं, इसलिए ऑयल्स हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे हमारे बाल स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर होते हैं। सो गाइज, कोशिश करें कि आप ऑयलिंग हफ्ते में एक बार कम से कम करें।
अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे हों तो आप कोकोनट ऑयल में बादाम का ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं, और जिन लोगों को ग्रोथ की प्रॉब्लम हो रही है वो कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। सो गाइज इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है आपको वो भी काफ़ी हद तक रुक जाएगी। सो गाइज एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दें और टाइम टू टाइम शैम्पू चेंज करके देखते रहें। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपकी कुछ हेल्प की होगी। सो गाइज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।